नमस्कार, मैं हूं हरदीप। आज मैं आपको लेके आया हूं गुरु नानक एग्री इंडस्ट्रीज सितारगंज उत्तराखंड में। आपको मैं इसलिए यहां पर लेके आया हूं, आप देखिए यहां पर अलग अलग तरह के कृषि यंत्र पड़े हैं, अलग अलग तरह के फार्मिंग इक्विपमेंट पड़े हैं। आप लोग जिस भी तरह का हल चाहते हैं, जिस भी तरह का आपको औजार चाहिए, जिस भी तरह का आपको यंत्र चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हैं या अपनी ज़रूरत के अनुसार डिमांड पर बनवा सकते हैं, ऑर्डर पर बनवा सकते हैं। आप देखिए कितनी अच्छी कंडीशन में यहाँ पर आपको माल तैयार करके दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपको अब बचत करने के लिए आपको हल्का फुल्का सामान दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पर वजन में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं मिलेगी, बहुत हैवी हैवी आपको सामान मिलता है यहाँ पर। ये देखिए ये लेवलर है, आप पत्ती देखिए कितनी मोटी लगा रखी है। और जो भी आप सामान यहाँ से लेंगे आपको बाकायदा पेंट करके बढ़िया तैयार करके मिलेगा। ये दूसरा लेवलर है, अभी तैयार हो रहा है, पेंट होना बाकी है। पत्ती देखो कितनी मोटी लगा रखी है, कितनी मोटी पत्ती है इसमें। ये एक हैरो है रिपेयर होने के लिए, आइए यहाँ पर रिपेयर का काम भी हो जाता है, रिपेयर का काम भी कर देते हैं। ये इनकी प्रेस मशीन और ये कटर मशीन है, आप यहाँ से नया भी ले सकते हैं। आपके पास अगर रिपेयर के लिए तो आप यहाँ से रिपेयर भी करवा सकते हैं। और ये पंखा है पीटीओ शाफ्ट से चलने वाला, ये दूसरा पंखा, ये अभी तैयार हो रहा है। और यहाँ पर कुछ हैरो का सामान पड़ा है, ये धीरे धीरे करके सामान को रेडी करते रहते हैं, ऑर्डर आने पे तुरंत माल मिल जाता है आपको। और ये एक दूसरा लेवलर जो मैंने आपको पहले दिखाया था, पीछे इसमें हुक लगा रखी है, ये देखिए। आप इसमें हुक लगाने का मतलब है कि आप इसमें ट्रॉली भी डाल सकते हैं, इतनी इतना हैवी है। ये एक तीसरा पंखा है और ये डॉलर है, सारे बनाने इदा दे। ये देखिए। और ये कुछ सामान तैयार होने के लिए माल आया है। और ये स्प्रे टैंक है, ये स्प्रे मशीन में लगाने के लिए टैंक है। अच्छा अच्छा, स्प्रे मशीन उधर खड़ी है, ठीक है। हर तरह का कृषि का यंत्र यहाँ से आपको मिल जाएगा, आप तैयार करवा सकते हैं। ये स्क्रीन पे नंबर है, आप जो जिस भी औजार की, जिस भी यंत्र की बारे में जानकारी चाहते हैं, रेट के बारे में जानना चाहते हैं, इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये है गुरु नानक एग्री इंडस्ट्रीज़ सितारगंज उत्तराखंड। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, धन्यवाद।